हाय एवरीबॉडी, सो दिस इज रीम और मैं रीम अभी इसे बोलूंगी क्योंकि मैं अपने मेकअप रूम में हूँ और मुझे कल्याणी के गेटअप में अभी जाना है। तो मैं आपको फिलहाल मेरा ये जो क्यूट सा कम्पैक्ट घर ही है वैसे तो मेरा, क्योंकि मैं घर पे कम और मेकअप रूम में ज़्यादा रहती हूँ, तो ये मैंने बनाया है थोड़ा बहुत एज यू कैन सी। ये वॉशरूम है यहाँ पे, सो आई जस्ट पुट अ गुड कर्टन हियर सो दैट वो दरवाज़ा ऑन द फेस ना आए। There's a curtain, और ये मैं और मेरी माँ एक्चुअली ना इस रूम में बैठ के हम बहुत कुछ करते रहते हैं इसलिए इतना फील्ड है। सो माई मदर एंड आई वी एक्चुअली स्टक दीज स्टिकर्स ताकि ये वॉल थोड़ी सी लाइक यू नो क्रिएटिव टाइप लगे, तो ये स्टिकर्स मैंने और मम्मा ने स्टिक किए हैं। ये मिर्ची लाइट्स है जो फिलहाल चलेंगी नहीं क्योंकि 3 महीने से हम सेट पे नहीं आए ना तो वो खराब हो गई फिलहाल, सो इग्नोर द मिर्ची लाइट्स। एंड ये यू कैन सी मेरा छोटा सा बेड है, ओके, एंड दैट इज माई दिस इज माई क्यूट टेडी जो मुझे मेरी को एक्टर प्रिया शिंदे जो इलाका में पल्लवी का रोल करती जो मेरी चाची हैं उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, बिकॉज मैं हमेशा से बोलती थी दैट मुझे बड़ा वाला टेडी चाहिए, मुझे बड़ा वाला टेडी चाहिए। सो एक दिन मैं अपने बर्थडे के एक दो दिन पहले जब मेकअप रूम में आई सुबह सुबह, सो आई गॉट दिस गिफ्ट एज अ सरप्राइज। एंड देन दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाई स्वरा हु प्लेज मल्हार सिस्टर इन द शो अंजू, ये उसने मुझे गिफ्ट किया था, ये हम सीक्रेट सांता कर रहे थे तब उसने मुझे गिफ्ट किया था। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ मी, अ पोर्ट्रेट यू कैन से, विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय अ फैन। माई मेकअप इज मेस्ड अप, सो डोंट जज, इट्स ओके, माई मेकअप इज मेस्ड अप। एंड मेरे रूम में आपको बहुत ही सारी कॉफी मिलेगी, कॉफी मेकर भी मिलेगा बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद कॉफी। तो कल्याणी इज बेसिकली she likes to dress up but she is not the very too overly dressed type of a person, so uska makeup jo hai mujhe karne bilkul time nahi jata hai, so for those who don't know, okay, so let me tell you Kalyani's typical eyeshadow. As you can see that my eyeshadows are usually brown, they are in a brownish shade, so these two eyeshadows I use the most whenever I have to dress up, get into Kalyani's get up. So these are like, you know, two different shades of brown. So I use them. And if some days I want to go a little pink, if I'm wearing a pink dress or something, then I go for this. Because this is near to pink. And if someday I really feel like, you know, dressing up like a Barbie doll, then I go for this palette, which has all shades of pink. So I go for this palette and then it has a lot of shimmers in it. So kabhi kuch sequence aata hai jisme dress up karna hota hai, so I use them. और हाँ, ये स्माइलीज, ओह गॉड, ओके, सो दीज आर माई मूड्स विच आई बेसिकली हैव एवरी डे ऑन सेट, सो राइट फ्रॉम मी यॉर्निंग, देन मी बींग क्रेजी लाइक यू नो थोड़ा हाइपरली एक्टिव क्रेजी, देन दिस इज मी बींग नर्डी बिकॉज आई लाइक रीडिंग बुक्स, एंड देन दैट इज ऑल्सो मी प्रॉब्ली जस्ट टीजिंग समवन, एंड देन दैट इज लवी डवी, सो या दीज आर लाइक द टिपिकल एक्सप्रेशंस विच आई हैव ऑन सेट एवरी डे, द यॉर्निंग वाला इज देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रस्ट मी। सो या दिस इज लाइक माई क्यूट मेकअप रूम एंड इट्स लाइक अ मूवी, इट्स अ सरियल मूवी, ऐसा कोई कोई डिजास्टर मूवी होती है ना जिसमें दुनिया खत्म होने वाली होती है और सब वास वास वकील पहन के बोलते होते हैं या फिर कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फटा होता है, तो ऐसा है फीलिंग है, लेकिन बट आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्म, गेटिंग यूज्ड टू इट एंड वी हैव टू सेव ईच अदर, वी हैव टू सेव आवरसेल्फ। Only just two of us who are not really social distancing because we have seen them touch each other and we have to hold hands and do romance. Or I rather hit him. Yeah, most of the time हमारे सीन होते हैं इसमें मुझे मार रही होती है कुछ कभी। वापस से कल्याणी के उसमें ड्रेस अप होके टू जस्ट यू नो बी कल्याणी अगेन इज मेकिंग मी फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ, एंड आई जस्ट होप कि ये जो हम फिर से आप सभी से मिलने आ रहे हैं ऑफिस से रब्ता, आई होप आप सभी को अच्छे लगे बिकॉज वी ऑल आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश माइंड, सो वी होप
दैट जो हमारी फ्रेशनेस है शो में वो आप सभी को दिखे ये 3 महीने के गैप के बाद. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट ऑल दिस व्हाइल ड्यूरिंग द होल लॉकडाउन व्हेन वी वर नॉट ऑन टेलीविजन व्हेन वी कुड नॉट रीच टू यू ऑल. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड प्लीज डू वॉच द ज़ेराब्ता फ्रॉम 13th July.